आओ ना कमरे में। ओ नो 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 खतरनाक है कमरे में तुझसे मिलना बड़ा खतरनाक है। शादी के बिना इतने पास आना पाप है। शादी के बिना इतने पास आना पाप है। अरे पिछले जमाने की बात है ये भूल जा, आज के जमाने में तो सब कुछ माफ है। पिछले जमाने की बात है ये भूल जा, आज के जमाने में तो सब कुछ माफ है। अरे देख मेरे सीने में जागी है उमंग, देख मेरे सीने में जागी है उमंग। चिटकनी लगा दी आके बैठ मेरे संग, चिटकनी लगा दी आके बैठ मेरे संग। परेशान मुझे मत कर तंग, अरे दिल रजमंद कर कुछ तो पसंद। भला कर मेरा मेरे बलि बजरंग, भला कर मेरा मेरे बलि बजरंग, मेरे बलि बजरंग, मेरे बलि बजरंग, जय हो बलि बजरंग, मेरे बलि बजरंग। सूरज कल फिर चलोगे ना? आज तुम्हारा साथ कितना अच्छा लगा। अगर इसी तरह जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ मिल जाए तो मजा आ जाए। आई लव यू सूरज। समझने की कोशिश करो आशा, मैं सूरज से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ओ दीदी, मैं तुझे कैसे समझाऊंगी? कुछ मत समझाओ। और वैसे तुम्हें समझाने का हक भी क्या है? जब खुद प्यार किया तब किसी चीज की परवाह नहीं की। घर की इज्जत, खानदान की मर्यादा, किसी चीज की परवाह न करते हुए तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। और जब मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ, तब तुम मुझे रोक रही हो। हाँ रोक रही हूँ। अगर ये बहन तुझे रोक रही है तो समझ लो इस इनकार के पीछे कोई खास वजह होगी। मुझे किसी खास और आम बात की परवाह नहीं है। मैं सूरज से शादी करके रहूंगी और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और कोर्ट में जाके शादी कर लूंगी। तुमने मुझे, हाँ मैंने तुम्हें चांटा मारा तुम्हारे भटके हुए दिमाग को रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि अनजाने में तुम वो बेवकूफी करने जा रही हो जो इस जन्म में कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सूरज किसी और की तकदीर के आकाश पर चमक रहा है, इसलिए उस सूरज की रोशनी किसी और के दामन पर नहीं पड़ सकती। क्या मतलब? सुनना चाहती है तो सुन। सूरज ना इस घर का नौकर है, ना ही वो तुम्हारे ब्याह के लायक है, क्योंकि वो मेरा पति है। वो तेरे पति है? हाँ वो मेरा पति है। सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डैडी की जिंदगी बचाने के लिए। अगर उनको पता चलता कि सूरज एक बहुत ही गरीब इंसान है जिसके पास ना नौकरी है ना रहने को अपना घर, तो शायद उनके दिल को बहुत गहरा सदमा पहुंचता।
और फिर डॉक्टर ने कहा था ना कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर उनके दिल को किसी हालत में कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरे पति होते हुए मेरी जिंदगी के साथी होते हुए भी वो इस घर में नौकर की जिंदगी गुजार रहे हैं। डैडी की खुशी के लिए उनकी जिंदगी के लिए। आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो आप, अरे आप यहां क्यों? अगर आपको यहां कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा एक साली अपने जीजा जी से मिलने आई है। जीजा जी? मुझे सब मालूम पड़ चुका है और आज मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूं। अनजाने में जो मुझसे भूल हुई उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। जो भूल अनजाने में हो जाए उसके लिए माफी क्या मांगना? ये तो हालात का एक मजाक था हमारे साथ। इतने महान हैं आप जीजा जी, भगवान करे हर घर को आप जैसा दामाद मिले। क्या कुछ नहीं सहा आपने मगर फिर भी कभी जबान नहीं खोली, एक झूठ को हमेशा के लिए सच बना के रखा। जो झूठ किसी की जान बचा ले वो हजार सच से बड़ा होता है लता। और फिर मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मैंने सुना था देवता पत्थर के होते हैं मगर आज इस घर में आकर मैं साक्षात एक देवता को देख रही हूँ। लता ये क्या कर रही हो? और सुनो, कोई देवता देवता नहीं, सिर्फ जी जा जी। आज तो मैं बदपरहेजी करके रहूंगा। मैं 4 क्रीम बिस्किट खाऊंगा। मैं क्या सारी जिंदगी यही खाता रहूंगा? दिस इज वेरी फैटनिंग। ये ले उधर रख दे। अच्छा बेटी जी? हम लोग अपने दामाद से मिलने आए थे, बिल्कुल बहुत खुशी हुई मगर खुशी खुशी में कुछ ज्यादा ही दिन हम लोग टिक गए यहाँ पर। अदरवाइज तो इनके पैरों में पहिए लगे हुए हैं, एक जगह टिकते ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि इतने दिन यहां कैसे टिक गए। हो गया। अबे तुझे डॉक्टर बनाया किसने? आपने। तो बेटी कल हम लोग यहां से चले जाएंगे क्योंकि पता नहीं वहां बिजनेस का क्या हाल हो रहा होगा। दरअसल डैडी कल मुझे भी लंदन जाना है बिजनेस के सिलसिले में। लंदन? जी। अरे वाह, मतलब तुम और आशा दोनों लंदन जाओगे? साथ में? नहीं नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। अकेले क्यों? आशा क्यों नहीं? आशा? हाँ आशा, बात यह है डैडी के जिस कंपनी से मेरे लेन देन है ना उन्होंने सिर्फ एक ही टिकट भेजी है। इस छोटी सी कंपनी है ना, इसलिए जब उनका बिजनेस फैल जाएगा तो जितने टिकट मांगेंगे भेज देंगे। छोटी सी कंपनी है डैडी उसी, इसलिए। अच्छा, मैं चाहता था कि तुम दोनों साथ चले जाते। खैर, एलसी, ये लो। ये क्या है डैडी? लंदन की 2 टिकटें। तुम अकेले नहीं जाओगे, आशा तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। अरे क्या लगाया तुम लोगों ने? जब से हम लोग यहाँ आए हैं तुम लोग सिर्फ हमारी खातिर मदारत में लगे हो। ना कहीं घूमने गए, ना एक दूसरे को समझने की कोशिश की, ना वो मनाया, क्या कहते हैं उसको, हनीमून। हाँ वही। अब अपनी पत्नी को अपने साथ लंदन लेके जाओ, बिजनेस भी करो और अपनी पत्नी को खुश रखने की भी कोशिश करो। वो तो ठीक है मगर मैंने आप अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कल पहले हम लोग सब मिलके यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, तुम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। मगर डैडी अगर ये वहाँ बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं तो वहाँ घूमने फिरने के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, इनको वहाँ अकेले ही जाने दीजिए ना। जब मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं ना सुनने का आदी नहीं, तुझे अच्छी तरह मालूम है ना। तुम इसके साथ कल लंदन जा रही हो, इसलिए डिले मत करो, देरी करो।
कमान 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 जल्दी कर जाओ। ए आशा, ये क्या चेहरा बना रखा है? लंदन जा रही है कि परीक्षा देने जा रही है? अरे मुस्कुराना, मुस्कुराना, बोलो। हाँ हाँ, जाओ बेटी। हाँ। अरे जब विजय साथ में तो फिर घबराने क्या बात? चल, चल। ओके डैडी। चलो। ओके मम्मी। सफर मुबारक हो। चलो। बाय। बाय लता। बाय। कौन आया? बाय। चलो जाओ। अब क्या होगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सूरज का कहीं पता नहीं, और मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? जाना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हारे लिए अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। हेलो जी, क्या कहा? हेरोइन स्मगल की जा रही है? किस फ्लाइट से? लंदन जाने वाली फ्लाइट से? सुनो, आज लंदन जाने वाली फ्लाइट से 5 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही है। मुजरिम को उसके माल समेत गिरफ्तार कराना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अंडरस्टैंड? यस सर। बी अलर्ट। विजय भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं सूरज को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन तुम बाहर भी तो नहीं जा सकती। बाहर तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आशा। विजय के साथ नहीं, सूरज के साथ तो जा सकती हो ना? मतलब? मगर सूरज है कहाँ? अरे सुबह से मैंने उसे गायब कर रखा है ताकि एयरपोर्ट पर तुम्हारी उससे मुलाकात करवा सकूं। क्या? हाँ, वो देखो। सूरज। आशा, पहले तो तुम सूरज का पासपोर्ट और टिकट संभालो। और ये मेरी तरफ से एक नाचीज तोहफा। हेलो विजय। हाय कुलदीप कौशल। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इंटेलिजेंस वाले चारों तरफ फैले हुए हैं। हाँ, तुम्हें ये माल बहुत संभाल कर ले जाना होगा। आओ तो मैं एक दोस्त से मिलाता हूँ। यस। सूरज। एंजॉय योर हनीमून। कुलदीप कौशल। हाय। हाय। बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था विजय, लंदन एयरपोर्ट पर तुम्हें मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, रणबीर पुष। ये कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो मैंने उसके बच्चों के लिए खरीदे। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो ये पार्सल उन तक पहुंचा। तकलीफ? हाँ कुलदीप, जरूर ले जाता, लेकिन लेकिन यार मेरा जाना अचानक कैंसिल हो गया। सूरज जा रहा है। सूरज ले जाएगा? क्यों सूरज, पार्सल ले जाओगे ना? कपड़े? जी हाँ, लंदन में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं मिस्टर रणबीर पुष्प, जो आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगे। ये कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो मैंने उनके बच्चों के लिए खरीदे हैं। अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो ये पार्सल उन तक पहुंचा देंगे। No problem, सूरज। भैया मेरा दोस्त है, आप उसके दोस्त हो तो आप मेरे भी दोस्त हुए ना? क्या रणबीर?